दोस्तों आजकल 35 लाख में तो 2 BHK फ्लैट आ रहे हैं देहरादून में, और 35 लाख में आपको अपना घर, अपनी जमीन, अपनी छत मिल रहा है, जिसको आप भविष्य में बढ़ा भी सकते हैं। कल को अगर आप चाहें तो एक मंजिला, दो मंजिला और भी इसको बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, बट इस बजट में आजकल फ्लैट आ रहे हैं देहरादून में। तो अगर आपको इस प्राइस में अपना घर मिल रहा है अपनी जमीन के साथ और जिसमें अपनी छत है, तो मेरे को ये लगता है कि आप को ये ऑप्शन अच्छा लगेगा, आपको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों आज आपके लिए एक लो बजट का हाउस लेकर आए हैं। बेहद खूबसूरत विला है ये, जो कि 85 स्क्वायर यार्ड में आपको मिलता है। मात्र 35 लाख में आपको ये विला मिल रहा है। दोस्तों प्रॉपर्टी की डिटेल्स जानने से पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। लोकेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। लोकेशन प्रेम नगर में है। प्रेम नगर से शामपुर वाली रूट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये विलास मिलेंगे। यहाँ से आप इजीली सिटी के किसी भी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप FRI जा सकते हैं, IMA जा सकते हैं, चक्राता रोड निकल सकते हैं। इस लोकेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन बेल्ट बहुत है, यानी कि नियर बाई कॉलेज, स्कूल्स आपको बहुत मिलते हैं। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, 90% जो स्टूडेंट्स हैं देहरादून के, वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में पढ़ते हैं, क्योंकि 15-16 के आसपास तो यहाँ कॉलेजेस ही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस यहाँ पे रहती हैं। ज़्यादातर इस लोकेशन में डिफेंस पर्सन रहते हैं। डिफेंस पर्सन की ये पहली चॉइस होती है, क्योंकि IMA, FRI, कैंटीन सब नियर बाय आपको यहाँ से मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी 85 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई है। जो लोग लो बजट में हाउस देख रहे हैं, कम रेंज में हाउस देख रहे हैं और बेहद खूबसूरत अपने सपनों का घर, जहाँ पे उन्हें छत भी अपनी हो और ज़मीन भी अपनी हो, इस तरह का छोटा सा प्यारा सा विला देख रहे हैं, तो उनके लिए पहली चॉइस हो सकती है। 35 लाख में मात्र ये विला मिलता है आपको। और अगर इस विला की हम बात करें तो इसमें आपको 2 बेडरूम सेट मिलते हैं, जिसके साथ आपको 3 वॉशरूम मिलते हैं। 2 वॉशरूम तो आपको विला के अंदर मिलेंगे और 1 वॉशरूम आपको बाहर मिलेगा, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। कल को आप अगर एक्सीड भी करना चाहें मकान को, मतलब एक फ्लोर और भी बनाना चाहें और रेंट पे भी चढ़ाना चाहें, तो वो भी इजीली कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे एक पार्किंग स्पेस मिलता है, एक डिसेंट साइज़ का पार्किंग स्पेस है, जहाँ पे आप सेंट्रो लाए गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं, सेंट्रो या वैगनार लाए गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। उसके साथ ही एंट्री में ही आपको सेपरेट सीढ़ियाँ दिखेंगी ऊपर जाने के लिए, यहाँ से आप ऊपर टेरेस में भी जा सकते हैं। ऊपर एक मुमटी दी गई है और 1000 लीटर का टैंक भी दिया गया है। अंडरग्राउंड टैंक भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3000 लीटर के आसपास का है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, ये आपको सेपरेट वॉशरूम यहाँ पे मिलता है। आइए अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये आपका ड्राइंग स्पेस है और ड्राइंग स्पेस में ही अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग का पूरा काम मिलता है। एक डिसेंट सा साइज़ है, जैसा कि 85 स्क्वायर यार्ड में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साइज़ को देखते हुए, लैंड साइज़ को देखते हुए एक अच्छे तरीके से घर बनाया है। ऊपर आपको एक अच्छी सी प्यारी सी फॉल सीलिंग मिलती है कंसील लाइट के साथ। पूरी प्रॉपर्टी में आपको अगर स्विचेस की बात करें तो ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, ब्रांडेड स्विचेस और ब्रांडेड वायर्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको एक विंडो मिलती है, यहीं से आपकी सीढ़ियाँ भी, इसके जस्ट उस तरफ आपकी सीढ़ियाँ भी ऊपर जाती हैं प्रॉपर्टी की तरफ। इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा काम हुआ है, स्ट्रक्चर वाइज अच्छी है प्रॉपर्टी और बहुत अच्छा मटेरियल क्वालिटी यूज़ किया गया है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल इस प्राइस में प्रॉपर्टी मिलना, वो भी सिटी के नियर बाय, बड़ा चैलेंज सा हो गया है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं, चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है एक लो बजट हाउस लाना। बट आप लोग के लिए लो बजट का हाउस लेकर आए हैं। ये आपको यहाँ पे टेक्सचर मिलता है, ये वाटरप्रूफिंग टेक्सचर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। स्क्वायर शेप में आपको पूरे टेक्सचर मिले हुए हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक डिसेंट सा साइज़ का किचन मिलता है, इजीली आपके 2-3 मेंबर इस किचन को यूज़ कर सकते हैं। सारे कैबिनेट्स वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे, मॉड्यूलर किचन है दोस्तों, इजीली आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपके सामान वगैरह हैं। सामने आपको विंडो मिलती है
और विंडो के जस्ट सामने आपको एंट्री में गेट मिलता है। ये पूरा मॉड्यूलर किचन है दोस्तों। ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है इसमें पूरा, और सिंगल सिंक के साथ आपको यहाँ पे सिंगल सिंक आपको यहाँ पे मिलता है। पानी का कनेक्शन प्रॉपर है, सबमर्सिबल हो रखा है प्रॉपर्टी पे, तो आपको पानी 24/7 मिलेगा। ये आपका चिमनी का स्पेस है, तो यहाँ पे इजीली आप अपनी चिमनी लगा सकते हैं और उसका आउटलेट वो रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हो किचन में आपकी फॉल सीलिंग करी गई है, तो काम में कहीं पे भी कमी नहीं है प्रॉपर्टी में, और इजीली लोनेबल है ये प्रॉपर्टी। इसके बाद ही आपको, इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो ऊपर पीओपी का काम आपको मिलता है, और साथ ही में एक वॉशरूम भी मिलता है यहाँ पे। वॉशरूम यहाँ पे वेस्टर्न वॉशरूम दिया हुआ है, साथ में आपको यहाँ पे डक्ट मिलता है, या वॉशिंग एरिया के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप यहीं से देख लीजिए इसे, ये डक्ट है, और वॉशिंग मशीन वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये आपका वॉशरूम है। तो ये तो हुआ आपका पहला बेडरूम जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिससे वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा सके, तो उनके लिए भी ये अच्छी ऑप्शन है। उसके साथ ही आपको एक और वॉशरूम मिलता है यहाँ पे। साथ ही आपको एंट्री करते वक्त यहाँ पे एक बेडरूम और मिलता है, ये सेकंड बेडरूम है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है प्रॉपर्टी को, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप लो बजट में हाउस देख रहे हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल पे वाटरप्रूफिंग टेक्सचर यूज़ किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक सोबर इम्पैक्ट दे रहा है कमरे को। उसके साथ ही आपको यहाँ पे विंडोज़ दे रखी हैं, और साथ में आपको डक्ट मिलता है। साथ ही आपको स्टोरेज के लिए स्पेस दे रखा है ऊपर में, वो भी आपका एक्स्ट्रा सामान वगैरह है वो आप उस पर रख सकते हैं। दोस्तों आजकल 35 लाख में तो 2 BHK फ्लैट आ रहे हैं देहरादून में, और 35 लाख में आपको अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी छत मिल रहा है, जिसको आप भविष्य में बढ़ा भी सकते हैं। कल को अगर आप चाहें तो एक मंजिला, दो मंजिला और भी इसको बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। बट इस बजट में आजकल फ्लैट आ रहे हैं देहरादून में, तो अगर आपको इस प्राइस में अपना घर मिल रहा है अपनी ज़मीन के साथ और जिसमें अपनी छत है, तो मेरे को ये लगता है कि आपको ये ऑप्शन अच्छा लगेगा। आपको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, और अगर आपकी ये चॉइस की प्रॉपर्टी तो ज़रूर आपको इस प्रॉपर्टी पे विज़िट करना चाहिए। एक बार हम टेरेस का भी टूर ले लेंगे इस डिटेल के बाद। फिलहाल मैं आपको एक बार दोबारा इसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। 2-bedroom विला है ये, जिसमें आपको 3 washroom मिलते हैं, 1 drawing space मिलता है, विथ 1 decent साइज किचन आपको मिलता है, और सारा काम अच्छी क्वालिटी में किया गया है। ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, ब्रांडेड टाइल्स यूज़ कर रखे हैं, ब्रांडेड स्विचेस और ब्रांडेड वायर्स यूज़ कर रखे हैं, सभी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा आपको अपनी छत मिलती है, मोमटी मिलता है, 3000 liter का अंडरग्राउंड टैंक मिलता है, एक सबमर्सिबल मिलता है, और ऊपर आपको 1000 liter का टैंक मिलता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। और इसी बात पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो दोस्त लोग अभी तक इस वीडियो को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे चैनल को एंजॉय करते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और जिनको भी इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, आप उन सभी नियर एंड डियर्स के साथ इस प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी का सपना पूरा हो जाए अपना घर लेने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।